सो स्टूडेंट, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन लिया जिसमें हमें निकालना था फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो भी रैशनल नंबर्स दिए थे उनके बीच के नंबर्स हमें फाइंड करना थे। तो हमने क्या किया, उनके डिनोमिनेटर जो थे उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बना दिया, सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। एक और अल्टरनेट मैथड होता है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल मुझे आपको बताना होगा। अल्टरनेट मैथड एक और होता है, क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड रैशनल नंबर्स, कुछ भी कह सकते हैं, लाइक थ्री कह दिया, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स लाइंग इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। एलसीएम लेके तो हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, बट अनदर मेथड इज दोनों रैशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे एंड टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया, फर्स्ट रैशनल नंबर इज आर वन एंड अनदर इज आर टू। सो व्हाट विल डू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/2, जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइडेड बाय टू करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1, यहाँ पे होगा 3 × 1, होल अपॉन 2 हमें करना होगा, दिस इज 2 दिस इज 3, तो इट विल गिव 5/6 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे सम इस पे बेस्ड किए हैं, 1/2, सो इट विल गिव यू 5/12। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, 1/3 एंड 1/2 के हमें बीच के नंबर्स फाइंड करने थे कि क्या होंगे। तो एक तो हमारे पास आ गया, दैट इज 5/12। ठीक है, नाउ अगेन वी नीड टू डू द सेम प्रोसीजर टू फाइंड अनदर नंबर, बिकॉज दे हैव सेड इन द क्वेश्चन फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स। अभी तो हमने केवल क्या किया है, एक ही नंबर निकाला है, अब हमें तीन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अगेन इनको प्लस करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा, इनको प्लस करके टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको करके बताऊंगी सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको अल्टरनेट मेथड चूज करना है या इससे प्रीवियस वाला, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इट इज क्वाइट लेंथी मेथड। ये 1, 2, या 3 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए इट इज कन्वीनियंट, बट अगर आ जाए फाइंड 20 नंबर्स या फाइंड 10 नंबर्स, फाइंड 5 नंबर्स, तो इट वुड बी मोर डिफिकल्ट, तो वी विल चूज द अनदर वन। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करें, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/3 + 5/12 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 3 × 12 का क्या आएगा हमारा एलसीएम, 12, 3 × 4 = 12 प्लस 12 × 1 = 12 होल अपॉन 2, राइट। इसके बाद हम इसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे, 4 × 5 = 9/12 होल अपॉन 2, मीन्स 9/12 विल कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन, इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, सो इट विल गिव यू रिजल्ट 9/24। तो एक और नंबर हमें मिल गया, राइट, सो 9/24 हमें मिला, सो 9/24 विल लाई बिटवीन इन दिस टू। नाउ विल फाइंड द थर्ड, बिकॉज दे हैव सेड क्लियरली दैट फाइंड थ्री रैशनल नंबर, और अभी हमने कितने फाइंड किए, ओनली 2। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड फाइंड करेंगे, वो हम इन दोनों के बीच का ट्राई करेंगे। तो व्हाट विल डू, अगेन इनको हम ऐड करेंगे, दिस इज थर्ड वन एंड ये जो आया दिस इज सेकेंड वन, और एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट हो गया, राइट। तो अब हमारा क्या हुआ, 5/12 + 1/2 एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, कि जो भी नंबर है उनको ऐड करिए एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 12, हेयर वी विल गेट 5, इधर हमारे पास क्या आएगा 6, बिकॉज 2 × 6 = 12 होल अपॉन 2, 5 × 6 विल गिव 11 होल अपॉन 2, डिवाइड को अगेन वही प्रोसीजर कन्वर्ट करेंगे तो इट विल 1/2, मीन्स 11/24। सो दिस इज आवर थर्ड नंबर। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर वॉज 1/3,
सेकेंड ये आ चुका है, अब इन दोनों के बीच का जो नंबर आया दैट इज 9/24, इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है दैट इज 11/24। आप और जितने कॉम्बिनेशंस निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, इनको ऐड करिए बाय टू, जितने नंबर्स को ऐड करना चाहे ऐड करके बाय टू करते जाइए तो वो बीच के नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। बट क्या ये कन्वीनियंट प्रोसीजर है? नहीं। तो इजी नंबर्स के लिए या 1, 2, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना हो देन इट इज इजी, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम बना के एलसीएम लेके और जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर किया वो फॉलो करना होगा, राइट? एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे इस पे बेस्ड, जिससे आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आ जाए। नाउ अनदर इज फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सिंपल से नंबर्स भी ले सकते हैं हम, 5, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सिंपल सा ले रहे हैं जिससे आपको ये प्रोसीजर भी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे अपॉन 2। लेट से फर्स्ट रैशनल नंबर इज x एंड सेकेंड रैशनल नंबर इज y, जिसे हमने नाम दे दिए x एंड y, ठीक है? तो व्हाट वी हैव टू डू, x प्लस y अपॉन 2। हमारे नंबर क्या थे, 3 एंड 4। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा, 7/2। मीन्स वी नीड टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, एंड फर्स्ट वी ऑलरेडी फाइंड 7/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम प्रोसीजर। तो व्हाट विल डू, 3 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाय 2। इसको ऑब्वियस से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 2 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में, 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 2 6 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाय 2। 6 एंड 7 विल गिव यू 13/2 डिवाइडेड बाय 2। अभी हम 2 को क्या करेंगे, 2 डिवाइड में है तो इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे एंड साइन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो विल हैव 13/4। सो अनदर नंबर इज 13/4। सिमिलरली हम इनको ले लें, इनका कॉम्बिनेशन लें, इनका, अब आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, इन दो को करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये वाला ले रही हूँ, लेट से 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अगेन इसका हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम विल बी 2। 7 इंटू 1 प्लस 1 2 2, 4 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2। 7 1 7, 4 2 8 अपॉन 2। 7 and 8 इज 15/2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 15/2 डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन 1/2। सो फाइनली वी विल हैव 15/4। So we are having third number also, that is 15/4. But this alternate method is easy if they have asked only find 3 numbers or 2 numbers or 4, max 4-5. But ज़्यादा कहेंगे तो ये आपके लिए lengthy हो जाएगा। तो हम किसको prefer करेंगे? Yes, denominator same बनाने वाला जो procedure है उसको हम follow करेंगे। तो अब हम उस पर based question लेंगे। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 20 रैशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या दिया है, 20 रैशनल नंबर दिया है, तो क्या हम हाफ वाला प्रोसीजर करेंगे कि दोनों नंबर को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें? नहीं, वो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम पजल्ड हो जाएंगे करते करते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, ठीक है? फाइंड 20 रैशनल नंबर्स between 5/6 and 5/8. Our rational number says, let's say हमने इसे R1 नाम दे दिया। First rational number is R1
एंड सेकेंड नंबर इज 5/8। हमें -5/6 से 5/8 के बीच के 20 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 6 एंड 8, एंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24। यहां पर हम एलसीएम नहीं लिखा निकाल रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास, मींस अब हम जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था उसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 24। 24 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है कि आप जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड करना जरूरी है, जो भी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सेम बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये, -20/24, राइट। सिमिलरली अनदर वन इज 5/8। इस 8 को अगेन हम 24 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई एंड 3 का डिवाइड, सो वी विल हैव 15/24। अब यहां पर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम जितने नंबर इनके बीच के पॉसिबल हो सकते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अवर क्वेश्चन वॉज फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर वॉज -5/6, सेकेंड वॉज -5/8, बट नाउ अवर नंबर इज -20/24 to 15/24। अब हमें इनके बीच के नंबर फाइंड करना चाहिए। नंबर लाइन को हम रिकॉल करेंगे, नंबर लाइन में हमारा -20 कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, एंड 15 ऑलमोस्ट इस तरफ आएगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितने सारे नंबर हो सकते हैं, -20, -19, -18, -16, -15, -14, सब माइनस के 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक सारे क्या होंगे, माइनस के नंबर होंगे, एंड 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे टिल 15 तक। मीन्स हमारे पास यहाँ पर 30 से भी मोर नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लिखना चालू कर सकते हैं, द नंबर रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दीज आर -19/24, -18/24, -16/17/24, जो आपको लिखना है टिल 15 के पहले आप ले लीजिए 14/24, एंड लास्ट तो हमारा जो है 15/24, इसके अंदर के हमें सारे नंबर लिखना है। मीन्स बिटवीन कहाँ है, तो जितनी बिटवीन पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लिख सकते हैं, बट हमें 20 लिखना है, तो हम इनके बीच में यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे इनके काउंटिंग कितना होना चाहिए, 20। अगर इसी क्वेश्चन को हम दोनों नंबर को ऐड करके बाय 2 से करते तो मेरे हिसाब से 2-3 बार मुझे बोर्ड को रब करना पड़ता, तो इसलिए आपको दोनों मेथड मैंने बताई, बट जो बेस्ट है आप उसे चूज करें और उस पर वेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन सो एंड सो, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम वो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। जैसे एलसीएम आया तो उसको वही एलसीएम बनाने के लिए कुछ नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू हम जितने रैशनल नंबर्स का हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सिंपल, बट स्टिल आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे करना है, ठीक है। फाइंड रैशनल नंबर लेट्स से 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 0, राइट, -2 and 0। अभी हम यहां क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे सकते हैं। ऐसे करके हम बार बार प्रोसीजर करके 10 नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है, दीज आर इजी नंबर, इनके डिनोमिनेटर एक तो नहीं है तो ये इजी हो सकता है, बट स्टिल इसको बहुत इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
माइनस टू, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मींस क्या है? वन. सिमिलरली जीरो है, इसका डिनोमिनेटर भी कुछ नहीं है मींस क्या है? वन. राइट. इन दोनों के बीच में हमें टेन नंबर चाहिए, तो मिनिमम हम इसमें टेन से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड वही सेम प्रोसीजर न्यूमरेटर में भी हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ भी हमें वही प्रोसीजर करना होगा. ठीक है, इट विल गिव यू जीरो बाय टेन एंड इट विल गिव यू माइनस ट्वेंटी बाय टेन. ठीक है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है. दिस इज फर्स्ट रैशनल नंबर एंड दिस इज सेकेंड रैशनल नंबर. सो नाउ वी हैव माइनस ट्वेंटी बाय टेन एंड वी नीड टू फाइंड द टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स. हमारे रैशनल नंबर एक्चुअली क्या थे? माइनस टू एंड जीरो. नाउ दे आर कन्वर्टिंग इन टू दीज नंबर्स. ठीक है, अब इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करना कितना ईजी है. हम नंबर लाइन को याद करेंगे. नंबर लाइन में जीरो कहाँ आएगा? यहाँ पर. माइनस ट्वेंटी कहाँ आएगा? यहाँ से. माइनस ट्वेंटी से जीरो तक के जितने नंबर हैं वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. माइनस नाइनटीन, माइनस एटीन, माइनस सेवनटीन, सिक्सटीन, फोर्टीन, थर्टीन, ऐसे सारे. ठीक है, तो क्या होगा? माइनस ट्वेंटी बाय टेन का अगला नंबर होगा दिस. जितने हमें कहे थे उतने हम चूज करके क्वेश्चन के हिसाब से एंड सो ऑन, जितने आप चाहें उतने ले लें. एंड फाइनली दे ऑल नंबर शुड लाई बिटवीन दिस एंड दिस. ठीक है, क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. हेयर यू कैन चूज एनी ऑफ द मैथड. आइदर यू कैन एड दिस टू एंड बाई टू, दिस टू एंड बाई टू, बट वो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा. सो वी विल प्रिफर दिस पैटर्न जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या किया? डिनोमिनेटर सेम बनाया. आप कहेंगे हम यहाँ कुछ और नंबर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे. डेफिनेटली कर सकते थे, बट हमें मिनिमम 10 चाहिए थे, इसलिए हमने 10 से ही मल्टीप्लाई किया. तो हमें यहाँ कम से कम 15, 16, 20 जितने भी मिलेंगे उसमें से हम 10 चूज कर लेंगे. राइट. सिमिलरली ऐसा है सिंपल. एक और क्वेश्चन में यहाँ साइमल्टेनियसली करा रही हूँ जिससे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए इस पैटर्न से. लेट्स फाइंड सेवन रैशनल नंबर्स lying between 1 and 2. अगेन यहाँ पर इनको जोड़िए, 2 से डिवाइड दे दीजिए, ऐड करिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए. बट हम वो नहीं प्रिफर करेंगे. आवर नंबर्स आर दिस एंड दिस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. हमने लेट्स से इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का डिवाइड किया, क्योंकि हमें 7 नंबर चाहिए, तो मिनिमम हम 8-10 फाइंड कर लेंगे जिसमें से हम 7 लिख सकें. ठीक है, सो नाउ आवर न्यू रैशनल नंबर इज 10 बाय 10 एंड 20 बाय 10. इनके बीच के निकालना बहुत आसान है. 11 बाय 10, 12 बाय 10, 13 बाय 10 एंड सो ऑन टिल 19 बाय 10. जितने आपको इसमें से रिक्वायरमेंट है उतने आप ले लीजिए. ठीक है, तो ये दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सिंपल भी बताया कि जिनके डिनोमिनेटर नहीं है, नॉर्मल नंबर्स हैं, बट है तो रैशनल ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन तो है. तो रैशनल नंबर्स के इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जनरली आ जाते हैं कि फाइंड फाइव रैशनल नंबर, फाइंड टू रैशनल नंबर, तो आपको झट से निकालना आना चाहिए. नाउ आई विल स्टार्ट NCERT एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज properties find there are two question. First is minus 2 by 3 multiply by 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply by 1 by 6. Second is 2 by 5
मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री बाय सेवन माइनस वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय टू प्लस वन बाय फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव. स्टूडेंट्स, इसको वैसे तो हम सिंपल भी न्यूमरिक सॉल्व कर सकते हैं, बट दे हैव क्लियरली मैंशन यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज. मीन्स हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है. अदरवाइज तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट लेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे. एक्चुअली तो इट इज इन थ्री पार्ट्स. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड यहां से इसका थर्ड पार्ट. राइट, क्वेश्चन को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे. हेयर वी हैव थ्री बाय फाइव, सिमिलरली हेयर ऑल्सो थ्री बाय फाइव. इन दो पार्ट्स को अगर हम साथ ले लें तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे. फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट को ये वाला पार्ट जो है इसे हम आखिरी में लिखेंगे. लास्ट में हमने इसे लिख दिया. नाउ हेयर इज थ्री बाय फाइव, हेयर ऑल्सो थ्री बाय फाइव, तो वो क्या होगा? कॉमन निकल जाएगा. अंदर हमारे पास होगा माइनस टू बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स. ठीक है, प्लस फाइव बाय टू को अभी हम एज इट इज कॉपी कर देंगे. नाउ थ्री बाय फाइव बाहर आ गया, अंदर दो फ्रैक्शन है, उनके बीच में जो भी साइन है हम उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे. सो थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वी हैव माइनस टू बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स, फाइव बाय टू एज इट इज कॉपीड. इनका एलसीएम कितना आएगा थ्री एंड सिक्स का? सिक्स. थ्री टू जा सिक्स, सो विल हैव दिस माइनस सिक्स वन जा सिक्स. राइट, थ्री बाय फाइव एज इट इज बिकॉज इट इज कॉमन एंड दिस टर्म इज ऑल्सो एज इट इज. नाउ स्टूडेंट, जब भी ध्यान से सॉल्व करें बहुत केयरफुली करें, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, टर्म्स कॉपी करने में गलती ना करें. माइनस टू एंड टू विल गिव यू माइनस फोर, माइनस वन अपॉन सिक्स. राइट, नाउ थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव बाय सिक्स, ये एज इट इज. नाउ फाइव से फाइव कैंसिल, इट विल गिव यू वन. थ्री से सिक्स कैंसिल, इट विल गिव यू टू. सो दिस टर्म इज कन्वर्टेड इन टू माइनस वन बाय टू. आफ्टर सॉल्विंग ये वाली टर्म्स विल हैव माइनस वन बाय टू. अब जो कॉपी किया हुआ टर्म था उसकी टर्म टर्न आएगी सॉल्व करने की. इन दोनों के बीच में टू एंड टू है तो एलसीएम विल ऑल्सो टू. टू वन जा टू, सो माइनस वन इंटू वन. टू वन जा टू, सो फाइव इंटू वन. माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, प्लस फाइव अपॉन टू मीन्स फोर अपॉन टू, बिकॉज माइनस वन एंड फाइव विल गिव यू प्लस फोर. And 2 and 4 will cut down and finally we will have 2. So the answer of this question is 2. Answer is 2. Right? तो हमने क्या किया? Property को use करते हुए solve किया. Otherwise you are free. आप जैसा चाहे वैसा solve कर सकते थे. But they have mentioned, so I had to use the property. और कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर लग रही थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसकी अगर कोई भी कॉमन है तो आप कॉमन बाहर ले लीजिए. एक बार मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज करा देती हूँ. इफ वी आर हैविंग ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, देन आई कैन राइट ए एज ए कॉमन और अंदर हमारे पास ब्रैकेट के बी प्लस सी हो जाएगा. दोनों तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, वाइस वर्सा. अभी हमारे पास सिचुएशन ये थी तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे सॉल्व किया. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था. अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. सॉरी, आई हैव रब द सेकेंड पार्ट. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज टू बाय फाइव
टू बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री बाय सेवन माइनस वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय टू प्लस वन बाय फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव। अगेन यहाँ पर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थ्री पार्ट्स में क्वेश्चन है, ठीक है। टू बाय फाइव थर्ड क्वेश्चन में भी है एंड फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नहीं पार्ट में भी है एंड फर्स्ट पार्ट में भी है। सो वी विल रिकलेक्ट फर्स्ट पार्ट एंड दिस मीन्स वी आर अरेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट तो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को साथ ले लिया एंड सेकेंड पार्ट को बाद में कॉपी कर दिया एज इट इज, ठीक है। नाउ अगेन आई कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज कॉमन है टू बाई फाइव, अंदर हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री बाय सेवन प्लस वन बाय फोर्टीन। टू बाई फाइव को हमने ब्रैकेट के बाहर एज ए कॉमन टेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, थ्री वन से थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सो इट विल गिव यू वन बाय फोर। हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का एलसीएम लेंगे, सेवन टू जा फोर्टीन, सो हेयर वी विल हैव माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू प्लस फोर्टीन वन जा फोर्टीन। हमने एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई किया, माइनस वन बाय फोर। ना टू बाय फाइव, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस थ्री एंड टू विल गिव यू माइनस सिक्स, वन वन जा वन अपॉन फोर्टीन माइनस वन बाय फोर। अब हमारे पास एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन, ठीक है। आप देखिए फाइव फाइव यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल, बट इट इज गिविंग माइनस वन, टू सेवन जा फोर्टीन। तो जो हमारी टर्म थी अब बहुत ही सिंपल हो चुकी है एंड इट इज गिविंग माइनस वन बाय सेवन एंड सेकेंड इज माइनस दिस। अगेन वी नीड टू टेक एलसीएम, सेवन एंड फोर का एलसीएम क्या होगा, ट्वेंटी एट, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, फोर सेवन जा 28. This is minus 4. This is minus 7. 20. Minus 4 and minus 7 will give you minus 11 upon 20. So this is your answer. Minus 11 by 28. Question was simple, straight, but हमको property को use properly करना था, ठीक है? So now इसी exercise का अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट के दो पार्ट थे जो हमने अभी सॉल्व किए। सो द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द following. First is 2 by 8. Second is minus 5 by 9. Third is minus 6 by minus 5. और भी हैं तो हम पहले तीन सॉल्व करेंगे। First is 2 by 8. Additive inverse क्या होता है, जो भी rational number का sign है उसका just ऑपोजिट। यहां पर 2 बाय 8 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सो आंसर विल बी माइनस 2 बाय 8। इट इज नॉट इक्वल टू, दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 बाय 8 इज माइनस 2 बाय 8, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5 बाय 9 इज, दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, सो द इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, तो वो बन जाएगा 5 बाय 9।
जो भी साइन है उसका ऑपोजिट है ना, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। लाइक आई हैव अ रैशनल नंबर ए, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इट शुड गिव जीरो। एक और एग्जांपल है, लाइक आई हैव वन बाय टू, द एडिटिव इनवर्स इज माइनस वन बाय टू। उन दोनों को हम ऐड करें तो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। देखिए हाफ प्लस माइनस, माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ इज जीरो। मीन्स जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट साइन हम करेंगे, उनको ऐड करेंगे एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। लाइक टू बाय एट था, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू बाय एट। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, नाउ माइनस सिक्स बाय फाइव, माइनस फाइव, माइनस सिक्स बाय माइनस फाइव। तो एक्चुअली तो पहले यही सॉल्व हो रहा है, इट इज इक्वलेंट टू सिक्स बाय फाइव, बिकॉज हेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, बोथ माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो नाउ रैशनल नंबर इज प्लस सिक्स बाय फाइव, पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यस माइनस सिक्स बाय फाइव। सो आप क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ सिक्स बाय फाइव इज माइनस सिक्स बाय फाइव। इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखें तो वो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है ना, थर्ड के बाद हम फोर्थ फिफ्थ और जो दिया है वो भी लेंगे। फोर्थ इज टू बाय माइनस नाइन, टू बाय माइनस नाइन। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव। इसको हम पहले सिंपल लिखेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। क्यों, बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। सो टू माइनस वन इज माइनस टू एंड माइनस नाइन इंटू माइनस वन इज नाइन, बोथ आर इक्वलेंट। मीन्स वी हैड टू बाय माइनस नाइन एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इंटू माइनस टू बाय नाइन। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखना है अगर आपको, तो आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, मैंने आपको वो भी बताया। सो आवर नंबर इज माइनस टू बाय नाइन, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस टू बाय नाइन इज प्लस टू बाय नाइन, क्योंकि इन्हें हम अगर ऐड करके देखें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इज अगेन डिनोमिनेटर में दिया है नाइनटीन बाय माइनस सिक्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस नाइनटीन बाय सिक्स इज प्लस नाइनटीन बाय सिक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। यहां पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी नंबर दिया है उसका ऑपोजिट साइन लेके हम उनके एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट माइनस एक्स ऑफ एक्स वेरीफाई करना है हमें, दैट माइनस एक्स ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स फॉर, वी हैव टू वैल्यूज, फर्स्ट इज 11 बाय 15 एंड सेकेंड इज माइनस 13 बाय 17, राइट। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक्स के वैल्यू इज गिवन एंड एक इक्वेशन दिया है माइनस ऑफ माइनस एक्स, और वो इक्वलेंट होना चाहिए एक्स के, हमको इसको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे x इज 11 बाय 15 एंड द इक्वेशन इज दिस, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, राइट। माइनस माइनस इज प्लस 11 बाय 15, तो वेरीफाई हो रहा है ये, वो हमें दिखाना है।
आवर एक्चुअल नंबर वॉज एक्स विच इज 11/15 और अभी भी हमारे पास माइनस माइनस सॉल्व करके क्या है 11/15 मीन्स इट इज इक्वल टू एक्स। हम एल एच एस लेके चलेंगे, ये इक्वेशन था इसमें हमने एल एच एस वाला पार्ट सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व किया, वो सॉल्व करने पे उसने रिजल्ट दिया 11/15 एंड 11/15 इज व्हाट एक्स, इट वाज एक्स। तो एल एच एस लेके चले एंड वी गॉट राइट पार्ट एक्स, सो वी कैन से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सिंपल सा प्रूफ है। सेकेंड प्रूफ करेंगे हम, एक्स जो है -13/17 एंड आवर इक्वेशन इज दिस। इसमें हम अगेन एल एच एस लेंगे, ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के मींस एक्स के इक्वल आना चाहिए। माइनस माइनस द वैल्यू ऑफ एक्स इज अगेन माइनस, इसको हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास बहुत सारे माइनस हो गए, हम पहले अंदर का माइनस सॉल्व करेंगे बिकॉज बॉडमॉस सेज फर्स्ट वी शुड ओपन द ब्रैकेट। तो हम अंदर जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट में, दिस इज नेगेटिव -13 एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव, ठीक है। सो फाइनली वी हैव -13/17। वॉट वॉज अवर एक्स, एक्स वॉज -13/17। सो इसको हम एक्स के इक्वलेंट लिख सकते हैं, यस, मीन्स हम एल एच एस लेके चले बट वी गॉट द पॉजिटिव एक्स, मीन्स एक्स पॉजिटिव नहीं एक्स। तो हमारा आर एच एस जो था इट वॉज एक्स, मीन्स एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल। सिंपल सा वेरिफिकेशन है, वैल्यू सब्सटीट्यूशन, और देखना है कि हम एल एच एस लेके चल रहे हैं तो आर एच एस के इक्वलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है मीन्स दे बोथ आर वेरीफाइड, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन।